हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर, माई सेल्फ अनु कुशवाहा। आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पिछले कई दिनों से टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी फिजिक्स का यूनिट 4 हमने स्टार्ट किया है, ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स के अभी तक 5 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ा, उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल किया। प्लेन सर्फेस से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ा, उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल किया। तो पिछले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 5 में हमने पढ़ा था लेंस, कम्बिनेशन ऑफ लेंस और लेंस मेकर फार्मूला। तो ये जो सारी थियरी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, आज की क्लास में हम उन्हीं के ऊपर बेस्ड प्रीवियस ईयर और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए थंबनेल पर या टाइटल में जो हम लिखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसका ये मतलब नहीं कि हम सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर हम सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करें तो एक ही टाइप के क्वेश्चन हम कई बार आपको बताएंगे जो कि बिना किसी यूज का है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी यहाँ पर होते हैं जो प्रीवियस ईयर के होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो प्रीवियस ईयर के नहीं हैं, बट सिलेबस में आपके थ्योरी है, फार्मूला है और पॉसिबिलिटी है कि इस तरह के भी न्यूमेरिकल एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसलिए हम दोनों का कम्बिनेशन यहाँ पर लेते हैं, भले ही टाइटल में लिखा होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो इस बात से कोई नाराज नहीं होगा कि लिखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बताते वो भी हैं जो एग्ज़ाम में नहीं आया हुआ है। तो ये मैं इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं इस तरह से बस लिखता हूँ, ऐसा तो है लिख नहीं सकते कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस इंपॉर्टेंट पॉसिबल न्यूमेरिकल्स, पूरा जो स्पेस है जिसमें हमारा फोटो लगना चाहिए उसमें सिर्फ ये लिख के ही भरना पड़ेगा हमको। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और काफ़ी न्यूमेरिकल हम लोग करने वाले हैं और कुछ न्यूमेरिकल आपके लिए होमवर्क भी देंगे। तो सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 ही देखेंगे। लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन अ कॉन्वेक्स स्फीरिकल ग्लास सरफेस। ग्लास का बना हुआ कोई स्फीरिकल सरफेस है और कैसा है? कॉन्वेक्स है, कॉन्केव नहीं, क्योंकि स्फीरिकल सरफेस दो तरह के हो सकते हैं, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, कॉन्केव भी हो सकता है। और जो लाइट होता है, वो लाइट है वो कहाँ से जा रहा है? एक पॉइंट सोर्स से, और वो पॉइंट सोर्स कहाँ है? एयर में। ठीक है, क्लियर। यानी कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट एयर में है और उसके सामने एक कॉन्वेक्स स्फीरिकल ग्लास सरफेस रखा हुआ है। उस ग्लास सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है 20 सेंटीमीटर। अब ये प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, ये आपको सोचना है। इस क्वेश्चन में सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है। द डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स, लाइट सोर्स मतलब जहां से लाइट आ रहा है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट, फ्रॉम ग्लास सरफेस इज 100 सेंटीमीटर। यानी जो ऑब्जेक्ट है वो 100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। एट व्हाट पोजीशन इज द इमेज फॉर्म्ड? तो इमेज किस पोजीशन पर बनेगा? ठीक है, देखिए इस तरह के खास करके मैं आपसे बताऊं कि ऑप्टिक्स का जो न्यूमेरिकल होता है, स्पेशली ऑप्टिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करना तब ज़्यादा आसान हो जाता है जब आप उसकी थियरी को समझ रहे होते हैं और जो भी क्वेश्चन दिया होता है उसका डायग्राम आपके दिमाग में बनने लगे, मतलब आप इस सीन को विजुअलाइज अगर कर पा रहे हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ज़्यादा आसान होता है। फार्मूले कम होते हैं ऑप्टिक्स में, बट आपको समझना होता है कि सिचुएशन कैसी है, ऑब्जेक्ट किधर रखा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में किसका गिवन है, प्लस किसको लेना है, माइनस किसको लेना है, ये सिचुएशन को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फार्मूले लिमिटेड होते हैं। तो आपने पिछली क्लास में देखा था स्फीरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और वो हमने कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए बताया था। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में कॉन्वेक्स स्फीरिकल सरफेस है, ये देखिए कॉन्वेक्स स्फीरिकल सरफेस उभरा हुआ है और इसके सामने 100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर कोई पॉइंट सोर्स रखा हुआ है और उसको हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, सोर्स कह सकते हैं, 100 सेंटीमीटर। अब ये डिस्टेंस कहां से मेजर किया जाएगा? तो ये जो कॉन्वेक्स सरफेस है यहां पर इसका बिल्कुल बीच वाला पॉइंट, दैट इज कॉल्ड पोल। ठीक है, इसको आप पोल बोल सकते हैं। तो इस पोल से इस ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस है 100 सेंटीमीटर। और इसके बाद दिया हुआ है कि ये जो ग्लास यहाँ पर यूज किया गया है, इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और ये देखिए कॉन्वेक्स सरफेस है ना, तो इसको आप किसी स्फीयर का एक पार्ट मान सकते हैं और किसी स्फीयर का एक पार्ट है तो उसका एक सेंटर होगा, उसका एक रेडियस होगा, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, और वो कितना है? 20 सेंटीमीटर। आप देखिए कि जिस स्फीयर का ये पार्ट है अगर उसका सेंटर यहाँ पर होगा सी, तो ये पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस जो होगा इसी को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर। तो ये जो आर की वैल्यू है, अब साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो राइट साइड में पड़ रहा है, तो
तो राइट साइड में जो भी डिस्टेंस होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, लेफ्ट साइड में जो डिस्टेंस होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाले डिस्टेंस पॉजिटिव होते हैं और नीचे वाले डिस्टेंस नेगेटिव होते हैं। तो ये जो साइन कन्वेंशन आप यूज किए हैं मिरर के केस में, वही साइन कन्वेंशन आपको यहां पर भी यूज करना है। ये प्लस है, ये माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये सारा सिचुएशन है। आप मान सकते हैं ये ऑब्जेक्ट है और ये आपका ग्लास है इस तरह का शेप का। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है। आपको बताना है कि जो इससे इमेज बनेगा वो कहां बनेगा, दैट मीन्स डिस्टेंस ऑफ इमेज वी की वैल्यू आपको बतानी है। तो हमने आपको फार्मूला बताया था कि स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन के केस में दो तरह से फार्मूले लिखे जाते हैं। एक तो म्यू टू अपान वी माइनस म्यू वन अपान यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपान आर, एक इस तरीके से लिखा जाता है। और दूसरा, इसमें म्यू वन और म्यू टू को आपस में अगर हम इंटरचेंज कर दें तो म्यू वन अपान वी माइनस म्यू टू अपान यू इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू अपान आर। क्लियर? ध्यान रहे आपको कि ये फार्मूला हम तब यूज करते हैं जब ऑब्जेक्ट हमारा रेयरर मीडियम में हो और इमेज उसका डेंसर मीडियम में बने। क्लियर है? यानी आप ये कह सकते हैं जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए तब ये फार्मूला यूज करेंगे, ये ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि ये जरूरी भी नहीं है ना कि यहां पर रखे ऑब्जेक्ट का इमेज इसके अंदर ही बने, तो वो बात कहीं कहीं पर लागू नहीं होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाए तो ये फार्मूला यूज करेंगे, और जब लाइट मतलब जो ऑब्जेक्ट है उससे जो लाइट निकले वो डेंसर टू रेयरर पास हो, तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट इसके अंदर होता तो हम ये वाला फार्मूला यूज करते। हमारा ऑब्जेक्ट जब रेयरर मीडियम में है तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। तो ध्यान रहे आपको कि जब लाइट रेयरर टू डेंसर जाती है तब केस नंबर वन यूज करेंगे, और जब लाइट डेंसर टू रेयरर जाएगी तो केस नंबर टू यूज करेंगे। ठीक है, चलिए तो फार्मूला नंबर वन यहां पर यूज करते हैं, क्योंकि ये रेयरर मीडियम एयर या वैक्यूम में रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट एयर में रखा हुआ है तो फार्मूला नंबर वन यूज करेंगे। तो एयर में रखा हुआ है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन बोला जाएगा, ये फर्स्ट मीडियम है वन, और ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू को 1.5 ये है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें तो ये राइट साइड में है तो ये प्लस के साथ होगा। यू की वैल्यू यहां पर दिया हुआ है कितना है, 100 सेंटीमीटर, लेकिन ये पोल के लेफ्ट साइड में है तो यू की जो वैल्यू होगी वो माइनस के साथ लिखी जाएगी, -100 सेंटीमीटर। सारी वैल्यूज पता है, इसी फार्मूले में पुट कर दीजिए, है ना, क्योंकि रेयरर टू डेंसर का ये केस बन रहा है तो यही फार्मूला यूज करेंगे। म्यू टू कितना है, 1.5 अपान वी फाइंड आउट करना है, म्यू वन यानी वन, यू कितना है -100 इज इक्वल टू म्यू टू, म्यू टू का मतलब 1.5 माइनस म्यू वन यानी कि वन अपान आर, आर का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्लस में 20। क्लियर है? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यह आ जाएगा आपका 1.5 अपान वी प्लस 1/100 इज इक्वल टू 0.5/20। और इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये 1.5/v और ये 0.5 है तो 0.5 का मतलब 1/2, तो ये 1/40 बन जाएगा और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1/40 माइनस 1/100। क्लियर? और अब आपको लेना पड़ेगा एलसीएम, और एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसका एलसीएम आप ले सकते हैं, दैट मीन्स 400 आप लीजिए, यह आ जाएगा 1.5/v इज इक्वल टू ये 4000 हो जाएगा, ये हो जाएगा एलसीएम, डिवाइड करिए 40 से तो 100 माइनस 100 से डिवाइड करिए तो यहाँ पर 40 कितना आ जाएगा, 60/100×40, जीरो से जीरो कैंसिल, और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया आपका 400, या इसको इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए 2 से तो 3/2 यानी 200, और v इक्वल टू कितना आ जाएगा 200×1.5 और अपान में 3, इससे इसको कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स और इससे इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, सब कुछ सही है ना, एक बार फिर से मिला लेते हैं, कहीं पर माइनस या प्लस का अगर डिफरेंस आएगा तो आंसर नहीं आ पाएगा, चेक कर लेते हैं। 1.5 म्यू टू अपान वी माइनस म्यू वन अपान यू, यू की वैल्यू माइनस के साथ रखनी थी, ये क्लियर है, और म्यू टू माइनस म्यू वन, इसका तो कोई साइन होता नहीं है, जो वैल्यू है वही रखना है, और अपान में आर प्लस के साथ, ठीक, और ये माइनस माइनस होगा प्लस 100, लेकिन जब इसको इस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस, तो 1/40 माइनस 1/100,
और दोनों का एलसीएम लिया हमने, सीधे मल्टीप्लाई किया 40 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा, 40 से डिवाइड करेंगे 100 बचेगा, 100 का 1 माइनस ये 40, ठीक ही दिख रहा है 60 अपान, तो कैलकुलेशन मिस्टेक आप चेक कर लीजिएगा एक बार, बाकी ये सब कुछ सही है, यानी कि वी की वैल्यू आ जाएगी 100 सेंटीमीटर। और प्लस में आने का मतलब ये कि जो इमेज बनेगा वो इस पोल के राइट साइड में बनेगा, तो जो इमेज बना है वी इक्वल टू प्लस 100 सेंटीमीटर, यानी कि इस पोल से राइट साइड में इमेज बनेगा, और कितनी डिस्टेंस पर, 100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। क्लियर है? तो आपको सिर्फ यही करना है कि देखना है कि केस रेयरर टू डेंसर का है कि डेंसर टू रेयरर का है, बाकी फार्मूला हमने आपको पिछले लेक्चर में डिटेल में समझाया हुआ है कि किस किस तरीके से न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं और क्या क्या आपको अप्रोच रखना है ना, तो वो चीज़ें अगर आप जानते हैं तो हर एक न्यूमेरिकल को आप हैंडल कर लेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इस तरह के और क्वेश्चंस हैं बट वो हम करेंगे नहीं, क्योंकि एक क्वेश्चन हमने कर दिया, अब आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को, तो ऐसा क्वेश्चन आपको हम लास्ट में होमवर्क के तौर पर देंगे, उसको आपको सॉल्व करना है और आंसर बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम एयर टू ग्लास इज 3/2, एयर टू ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब कि एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड दैट फ्रॉम एयर टू वाटर इज 4/3, मतलब एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फाइंड द रेशियो ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ ग्लास लेंस इन वाटर एंड इन एयर। देखिए कोई भी आप लेंस लेते हैं तो उस लेंस को जैसे मीडियम में रखेंगे वैसा ही उसका फोकल लेंथ आता है, एयर में फोकल लेंथ अलग होगा, ग्लास में फोकल लेंथ लिक्विड के अंदर रखेंगे तो वहां पर फोकल लेंथ अलग होगा, लिक्विड में भी अगर आप उस लिक्विड को चेंज कर रहे हैं, जैसे वो कभी केरोसिन है, कभी वो वाटर है, कभी कार्बन डाइसल्फाइड का सोल्यूशन है, तो किस जिस भी तरह के आप लिक्विड में उस लेंस को रखेंगे वैसे ही उसका फोकल लेंथ चेंज होता जाएगा। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए मल्टीपल चॉइस में कि क्या लेंस की फोकल लेंथ को जिस मीडियम में हम रखते हैं उस मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है, तो बिल्कुल डिपेंड करती है, उस मीडियम की प्रॉपर्टी के हिसाब से उस लेंस की फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी, और साथ ही साथ नेचर भी चेंज हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो किसी लिक्विड में डुबाने के बाद कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करे, ठीक है? तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे कि लेंस को जिस मीडियम में रखते हैं वैसा ही फोकल लेंथ होता है, और मीडियम के हिसाब से उसका नेचर भी चेंज हो सकता है कि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कॉन्केव की तरह बिहेव करने लगे, या फिर प्लेन मिरर की तरह, ग्लास प्लेट की तरह बिहेव करने लगे, है ना, प्लेन मिरर नहीं ग्लास प्लेट की तरह बिहेव करने लगे, तो ऐसा हो सकता है। मल्टीपल चॉइस में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में जो कंडीशन दिया हुआ था एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी ए म्यू जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर ए म्यू डब्ल्यू, ये कितना है 4/3। फाइंड द रेशियो ऑफ फोकल लेंथ, मतलब लेंस एक ही है, लेंस एक ही है लेकिन जब एयर में था तब उसका अलग फोकल लेंथ होगा, जब वाटर में उसको डुबाया गया है तब उसका फोकल लेंथ अलग होगा, तो आपको फोकल लेंथ का रेशियो बताना है, मतलब एयर में और वाटर में फोकल लेंथ कितना आएगा उसका रेशियो बताना है, ठीक है? पहले वाटर का और उसके बाद एयर का, एक सेकेंड, पहले वाटर का उसके बाद एयर का, ऐसे दिया हुआ है। तो देखिए लेंस मेकर फार्मूला आप जानते हैं, लेंस मेकर फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं पूरे लेंस में, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो लेंस मेकर फार्मूला के ऊपर बेस्ड होते हैं, और इसी फार्मूले से हमको पता चलता है कि लेंस का मीडियम बदलेंगे उसके आसपास का तो फोकल लेंथ भी वेरी हो जाएगा, क्योंकि 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2, और पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया है कि म्यू का मतलब क्या है। तो अगर आपका लेंस एयर में रखा हुआ है, अगर ये लेंस ऐसे रखा हुआ है कहाँ पर, एयर में, मतलब लाइट एयर से ग्लास में जा रही है, तो इसका मतलब कि ये म्यू का मतलब है ए म्यू जी, ठीक है? लेकिन यही लेंस अगर मान लीजिए किसी लिक्विड या वाटर के अंदर रखा हुआ है तो ऐसे में लाइट कहाँ से कहाँ पास होगी, वाटर से इस ग्लास में जाएगी, यानी कि डब्ल्यू म्यू जी, ये हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में यही दिया हुआ है, पहले ए म्यू जी दिया था, इसका मतलब कि जो लेंस है, लेंस ग्लास का जो लेंस है वो एयर में रखा था, और दूसरी बार ए म्यू डब्ल्यू दिया हुआ है, तो एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है
लेकिन वाटर का कॉन्सेप्ट आया, इसका मतलब लेंस को वाटर में रखा गया है, ठीक है। तो ऐसे में आप देखिए केस नंबर वन, जब आपका लेंस एयर में था तब वन अपान एफ ए, तो यहां पर म्यू की जगह पर क्या होगा, कमेंट करके भी आप लोग बताएंगे म्यू की जगह पर क्या लिखा जाएगा, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, लेंस मतलब लेंस का ग्लास का, लेंस का जो ग्लास है उसका, विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ये हुआ केस नंबर वन। और जब वही लेंस वाटर के अंदर रख दिया जाएगा तब वन अपान एफ डब्ल्यू, मतलब वाटर के अंदर रखने के बाद फोकल लेंथ इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका लेंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, मतलब लेंस का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में, माइनस वन, और ब्रैकेट में आएगा वन अपान आर वन माइनस वन अपान आर टू, केस नंबर टू। और आपको फोकल लेंथ का रेशियो चाहिए, तो इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दीजिए, इस इक्वेशन नंबर वन और टू को आपस में डिवाइड करिए, ये पूरा पार्ट इस पूरे पार्ट से कैंसिल हो जाएगा, और ये एफ डब्ल्यू यहाँ पर उल्टा मल्टीप्लाई करके ऊपर जाएगा, तो एफ डब्ल्यू अपान एफ ए, और यहाँ से ए म्यू जी माइनस वन अपान, देखिए डब्ल्यू म्यू जी यहाँ पर आ रहा है, और आप पढ़ चुके हैं प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन वाले लेक्चर में कि जब कई मीडियम हो, जैसे यहाँ पर अगर ये वाटर के अंदर लेंस रखा हुआ है, मतलब बाहर एयर है, फिर ये वाटर है, उसके बाद ये ग्लास है, तो ऐसे केस में W म्यू जी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, A म्यू जी अपान A म्यू W, यही लिखा जाता है, और उसके बाद माइनस वन, ठीक है। और सारी वैल्यूज आपको पता है, सबको रख दीजिए, A म्यू जी कितना है, थ्री बाई टू माइनस वन अपान, यहाँ पर रखेंगे थ्री बाई टू अपान A म्यू W कितना है, फोर बाई थ्री और माइनस वन, तो ये मिलेगा थ्री माइनस टू यानी कि वन बाई टू डिवाइडेड बाई, यहाँ से उल्टा होके मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री बाई टू इंटू फोर बाई थ्री जो है वो बनेगा थ्री बाई फोर और माइनस वन, सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा आपका वन बाई टू डिवाइडेड बाई नाइन बाई एट माइनस वन, तो वन बाई टू डिवाइडेड बाई वन बाई एट यानी वन बाई टू इंटू एट बाई वन दैट इज़ फोर, और फोर क्या आ जाएगा, फोर का मतलब फोर यानी एफ डब्ल्यू अपान एफ ए इज इक्वल टू फोर यानी कि फोर बाई वन, तो वाटर और एयर में उस लेंस की फोकल लेंथ का रेशियो कितना आ जाएगा, फोर रेशियो वन, यानी जो लेंस एयर में रखने पर उसका जितना भी फोकल लेंथ रहा होगा, जब आप उसी लेंस को वाटर में रख देंगे तो उसी का चार गुना हो जाएगा फोकल लेंथ, इसका यह मतलब है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये फार्मूले से पता चलता है, जो फोकल लेंथ होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप देखिए ये डिपेंड करता है कि लेंस कैसे मीडियम में रखा हुआ है, एयर में रखा तो ए म्यू जी यूज हो रहा है, वाटर के अंदर रख दिया तो डब्ल्यू म्यू जी यूज हो रहा है, तो इस तरह से मीडियम इतना प्रभावित करता है लेंस को और उसके फोकल लेंथ को और उसके नेचर को, इसको नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में दिया हुआ है कि बाई कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ आइदर सरफेस, आइदर मतलब दोनों में से किसी भी एक सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसके आधे के बराबर है उस लेंस का फोकल लेंस, फोकल लेंथ, तो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द लेंस, तो लेंस जिस मटेरियल का बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, इसको आपने नोट कर लिया, इसको हटा दें, चलिए तो इसको हटाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थ्री में बाई कॉन्वेक्स लेंस है, तो बाई कॉन्वेक्स लेंस का मतलब ये दोनों तरफ से कॉन्वेक्स जो होगा, कॉन्वेक्स लेंस के तीन टाइप थे, बाई कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स एंड कॉन्केवो कॉन्वेक्स, तो उसमें से ये फर्स्ट वाला है बाई कॉन्वेक्स लेंस, उसका जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब इस सर्फेस का अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका अपना है ना, इसको आप इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर वन बोलते हैं और इस दूसरे वाले सर्फेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर टू बोलते हैं, और दोनों की वैल्यू आपस में बराबर है, इस क्वेश्चन में बोला गया है इस तरीके से, R1 की वैल्यू भी R के इक्वल है और R2 की वैल्यू भी R के इक्वल है, ठीक है, इसीलिए आइदर ऑफ द सरफेस दिया हुआ, दोनों में से कोई भी एक सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उसके आधे के बराबर इसका फोकल लेंथ है। और देखिए आप R1 जो है राइट साइड में पड़ रहा है तो R1 की वैल्यू प्लस में लिखी जाएगी और R2 लेफ्ट साइड में पड़ रहा है तो R2 की वैल्यू माइनस में लिखी जाएगी, तो R1 की जो वैल्यू R है, वैल्यू तो R ही होगी बट R1 प्लस में होगा और R2 माइनस में होगा, ये साइन कन्वेंशन यूज करने के बाद प्लस या माइनस लिखेंगे, बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, जितना ये लेंथ है उतना ही लेंथ ये भी है, ठीक है। और इसमें जो फोकल लेंथ है वो कितना हो जाएगा, तो फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा कर दीजिए,
तो जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर की न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका आधा कर देंगे तो फोकल लेंथ तो आ जाएगा, बट फोकल लेंथ प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? तो ये आप जानते हैं कि लेंस कौन सा है, ये कॉन्वेक्स लेंस है ना, कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। तो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द लेंस, ये लेंस जिस मटेरियल का यानी ग्लास वगैरह का बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है, दैट मीन्स म्यू बताना है आपको, और कुछ नहीं लिखा हुआ है, दैट मीन्स एयर के रिस्पेक्ट में बताना है। तो ए म्यू जी आप कह सकते हैं, ग्लास का बना है अगर ये, तो ए म्यू जी आप बोल सकते हैं, सिर्फ इसको म्यू भी बोल सकते हैं, लेकिन ये बात पता रहे कि इसका मतलब यही है। तो लेंस मेकर फार्मूला यूज करेंगे, वन अपान एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस वन, वन अपान आर वन माइनस वन अपान आर टू, क्लियर। और एफ कितना है, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, वो भी प्लस में, तो आर बाई टू म्यू माइनस वन, वन अपान आर वन, आर वन की वैल्यू प्लस में, प्लस आर के इक्वल, माइनस वन अपान आर टू, और आर टू की वैल्यू माइनस आर के इक्वल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वन अपान आर प्लस वन अपान आर क्या हो जाएगा, टू अपान आर, तो आर बाई टू म्यू माइनस वन टू बाई आर। इसी को सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, ये टू बाई आर है और ये आर बाई टू है, तो म्यू माइनस वन इज इक्वल टू आर बाई टू इंटू आर बाई टू। एक सेकेंड इसको हम चेक कर लेते हैं, ये बाई कॉन्वेक्स लेंस है, जब फोकल लेंथ हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द आइदर सरफेस, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। तो यहाँ से आप देखिए, हाँ यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है, वन अपान एफ है ना, तो f की वैल्यू r बाई टू रखेंगे, 1 यहाँ छूट गया था तो ये 2 ऊपर हो जाएगा, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि कैंसिल क्यों नहीं हो रहा है, तो ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 बाई आर, और ये जब यहाँ पर रहेगा 2 बाई आर, और ये r ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कुल मिला के आएगा 1, तो म्यू माइनस वन इक्वल टू 1, म्यू माइनस वन इक्वल टू 1, तो म्यू इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब कि ग्लास जिस मटेरियल का बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा 2, ठीक है। तो आपने अभी तक ये तीन क्वेश्चन सॉल्व किए, तीनों ही क्वेश्चन में से जो ये दोनों क्वेश्चन है इसमें आपने लेंस मेकर फार्मूला यूज करना सीख लिया है, और इसमें आपने देखा कि जो स्फेरिकल सरफेस होते हैं, फिलहाल ये कॉन्वेक्स का था, इसी तरीके से कॉन्केव का भी सवाल पूछा जा सकता है, और इसमें जो केस लगा था वो रेयरर टू डेंसर का था, ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में था और उसका इमेज शायद डेंसर मीडियम में बनता, तो जब लाइट रेयरर टू डेंसर जाती है तो अलग फार्मूला होता है, और जब डेंसर टू रेयरर जाती है तो अलग फार्मूला होता है, बाकी वो कॉन्वेक्स हो चाहे कॉन्केव हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, इस फार्मूला वही हम यूज करते हैं, बस इतना अंतर आएगा कि कॉन्वेक्स अगर सरफेस है, अगर ये कॉन्वेक्स सरफेस है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो फार्मूले में यूज होगा वो प्लस साइन के साथ यूज होगा, अगर वो कॉन्वेक्स की बजाय कॉन्केव है तो फिर इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो माइनस साइन के साथ यूज होगा, इतना ही फर्क पड़ेगा, बाकी फार्मूला आप वही यूज करेंगे, म्यू टू अपान वी माइनस म्यू वन अपान यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपान आर, क्लियर है। चलिए तो ये तीनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक कॉन्केव लेंस है, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो 10 सेंटीमीटर है, कॉन्वेक्स लेंस से 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ है, और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये डायग्राम में इस तरीके से दिखाया गया है कि ये जो रेज हैं यहाँ से जो कन्वर्ज हो रही थी, कॉन्वेक्स लेंस से कन्वर्ज होने के बाद ये रेज, अगर ये कॉन्केव लेंस अब्सेंट होता तो ये रेज जाके इस पॉइंट आई पर मिल जाती, लेकिन ये आपका कॉन्केव लेंस प्रेजेंट है, इस वजह से ये क्या करेगा, इन रेज को जो कन्वर्ज होते हुए पॉइंट आई पर जा रहे हैं उनको वहां जाने नहीं देगा, बल्कि उनको डाइवर्ज कर देगा, और जब डाइवर्ज करेगा तो फिर वो आगे जो निकल रहे हैं वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल रहे हैं। तो ये सारा सिचुएशन दिया हुआ है और आपको क्या करना है, इस कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ बतानी है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप देखिए, अगर आप एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो इस तरह का और भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, जैसे और कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स का कॉम्बिनेशन दे दिया जाए, कॉन्केव कॉन्केव का कॉम्बिनेशन दे दिया जाए, और एक लेंस हो और एक मिरर हो, ऐसा भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो जितने भी कॉम्बिनेशन वाले न्यूमेरिकल हैं उनको करने का एक अप्रोच होता है, एक थॉट होता है, उसी को आप समझ लेते हैं तो सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे, क्योंकि आपको मिरर का भी फार्मूला पता है, आपको लेंस का भी फार्मूला पता है, बट उनको यूज कैसे करना है वो डायग्राम से आपको दिखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट ओ है वो इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, और इसका फोकल लेंथ भी हमको पता है 20 सेंटीमीटर,
तो हम ये पता करेंगे लेंस का फार्मूला यूज करके, अगर एफ पता है, यू पता है, तो ये जो आई है, जो इसका इमेज होता, अगर ये कॉन्केव ना होता तो इसका इमेज, इस ऑब्जेक्ट का इमेज आई पर बनता इस लेंस की हेल्प से। तो जो इमेज आई बनता वो आई इस कॉन्वेक्स लेंस से कितनी डिस्टेंस पर है, हम ये पता करना चाहते हैं। और हमको ये डिस्टेंस अगर पता चल गया तो फिर हम आगे एक चीज देखेंगे कि देखिए, अगर ये कॉन्केव लेंस ना होता तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज पॉइंट आई पर बनता, लेकिन ये लेंस प्रेजेंट है और इस लेंस ने क्या किया कि जो लाइट रे पॉइंट आई पर जाना चाहिए, उस पॉइंट आई पर पहुंचने वाली लाइट रे को इसने यहां ना पहुंचने की बजाय इसको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल आगे निकाल दिया। तो आप कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये इसका इस कॉन्वेक्स लेंस का इमेज है, और इसका ये जो इमेज है वो कॉन्केव के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट सच में वहां नहीं है, वो ऑब्जेक्ट तो यहां पर है, रियल ऑब्जेक्ट तो यहां पर है, बट जो कॉन्केव लेंस आपका है वो कौन सी लाइट रे को कहां पहुंचा रहा है, तो पॉइंट आई पर पहुंचने वाली लाइट रे को वो उसने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फैला दिया। तो ये आगे जहां पर भी जाके काटेंगी वो बनेगा इसका इमेज, लेकिन वो इमेज किसके लिए बना है, वो पॉइंट आई के लिए इमेज बना है। तो जो पॉइंट आई है वो इस कॉन्वेक्स के लिए इमेज है, बट इस कॉन्केव के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है जिसका इमेज ये पैरल रे जा रहे हैं, दैट मीन्स इन्फिनिटी पर इमेज बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉन्वेक्स के लिए बात कर लेते हैं, फॉर कॉन्वेक्स लेंस। फॉर कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए देखिए ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -60 सेंटीमीटर। माइनस क्यों, क्योंकि लेफ्ट में है। और एफ की वैल्यू कितनी, एफ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। प्लस में कि माइनस में, प्लस में, क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। ठीक है, तो यू और एफ पता हो गया, तो लेंस का फार्मूला यूज करेंगे, 1/f, 1/v, -1/u। और हमको v फाइंड आउट करना है, तो 1/f कितना है, रख दीजिए 20, 1/v और -1/u, u कितना है -60। माइनस और माइनस प्लस होगा और फिर उसको इधर ले आएंगे, माइनस फिर से हो जाएगा, तो 1/20 - 1/60 इज इक्वल टू 1/v। LCM ले लेंगे 60, 3 - 1, 1/v, 3 - 1 यानी 2/60, दैट मीन्स 1/30, यानी 1/v, 1/30 के इक्वल, तो v किसके इक्वल, 30 के इक्वल। और आप देखिए v की वैल्यू प्लस में 30 सेंटीमीटर आ गई, दैट मींस ये जो इमेज बनता कॉन्वेक्स से वो इस लेंस से कितनी डिस्टेंस पर है, टोटल 30 सेंटीमीटर। यहां से लेकर यहां तक की ये टोटल डिस्टेंस कितनी, 30 सेंटीमीटर, जिसमें से ये बीच की डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। इन दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। तो बताइए जो पॉइंट आई है वो कॉन्केव लेंस से कितनी डिस्टेंस पर होगा, ये टोटल 30 है और ये इतना 10 है, तो ये कितना बचा, 20 बचा। यानी आप कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट आई इस कॉन्केव के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, उसका इस कॉन्केव से जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है। तो हम कह सकते हैं फॉर कॉन्केव लेंस u इज इक्वल टू, कॉन्केव लेंस के लिए u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल 30 यहां से लेकर यहां तक का, इसमें से 10 माइनस करेंगे आप, 20 आएगा। और देखिए यहां पर प्लस में लिखना होगा कि माइनस में, तो अगर आप दिमाग में ये गांठ बांध लिए होंगे कि u की वैल्यू है तो माइनस होगी, तो फिर गलत हो जाएगा। तो आप ध्यान रखें कि यही वो केस है जिसमें u की वैल्यू पॉजिटिव आती है। सिंगल अगर कॉन्केव होता तो फिर u की वैल्यू निगेटिव होती, सिंगल कॉन्वेक्स होता तो देखिए इसके लिए u की वैल्यू निगेटिव थी, बट ये जो इमेज है वर्चुअल इमेज, सॉरी वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इस कॉन्केव के लिए ये जो पॉइंट आई, जो कॉन्वेक्स का इमेज है वो कॉन्केव के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, और ये इस लेंस के राइट साइड में है, तो राइट साइड में है तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये प्लस में ही होगा, प्लस 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पॉइंट आई इसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, यू की वैल्यू मिल गई, इसका फोकल लेंथ आपको पता करना है, और पैरेलल रेज अगर जा रही है तो इसका मतलब कि फाइनल इमेज कहां बनने वाला है, इन्फिनिटी पर। डिस्टेंस ऑफ इमेज प्लस में लिखे कि माइनस में, तो राइट साइड में वो इमेज आगे जाके बनेगा, तो प्लस में इन्फिनिटी लिखेंगे। अब आप इस कॉन्केव के लिए लेंस फार्मूला यूज करेंगे, 1/f, 1/v, -1/u, यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/f = 1/v यानी कि प्लस में इन्फिनिटी, -1/u, u का मतलब कितना, 20, प्लस में 20, क्लियर है।
तो 1 अपॉन इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, तो माइनस 1 अपॉन 20 1 अपॉन एफ के इक्वल, तो 1 अपॉन एफ इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 20, दिस इंप्लाइज दैट एफ इज इक्वल टू माइनस 20 सेंटीमीटर। और आप देखिए अगर ये u की, अगर हम कुछ भी गलत किए होते तो ये u की वैल्यू माइनस की बजाय अगर प्लस में आ जाती तो हमको पता चल जाता कि हमारा कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हुआ है कॉन्सेप्ट में, क्योंकि कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव ही होती है, तो f की वैल्यू माइनस के साथ भी आई है, तो इससे कहीं ना कहीं ये अश्योर होता है कि हमने सब कुछ सही किया हुआ है, हमारा आंसर सही आया है। तो कभी भी ऑप्टिक्स में आप इन चीज़ों को अगर ध्यान रखते हैं, इस बारीकी से अगर आप समझते हैं, तो आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही आया है कि गलत आया है। ठीक है, तो कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी, 20 सेंटीमीटर, और माइनस ये बता रहा है कि कॉन्केव लेंस की बात चल रही थी। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें। चलिए बहुत स्पीड तो ज़्यादा तो नहीं है ना, आप लोग कभी भी इस तरह की कोई भी दिक्कत हो आप एकदम निःसंकोच बिना किसी हेजिटेशन के आप कमेंट करके ये ज़रूर बता दिया करिए कि सर स्पीड ज़्यादा है, या क्वेश्चन आप बहुत कम करा रहे हैं, या फिर आप समझा नहीं पा रहे हैं, या फिर आप बहुत बोरिंग पढ़ा रहे हैं, किसी भी तरह की दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम हर समस्या को, हर जो भी प्रॉब्लम होगी उसको एक्सेप्ट करेंगे और अगले लेक्चर में उस कमी को दूर करेंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि देखिए आप लोग अगर आपको लेक्चर अच्छा नहीं लगेगा तो फिर हमारा मोटिवेशन धीरे धीरे डाउन हो जाएगा, आपका रिस्पांस जिस दिन नहीं आता, जिस दिन कमेंट्स आप लोग नहीं करते हैं, जिस दिन आप लोग ये नहीं कहते सर ये लेक्चर ठीक था या नहीं ठीक था, तो मुझे लगता है कि कुछ दिक्कत चल रही है और आप लोग बताना नहीं चाह रहे उस समस्या को, तो ऐसे में मोटिवेशन डाउन होने लगता है, फिर मुझे लगता है कि शायद कल का लेक्चर बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। तो इसलिए आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखेंगे, एक्टिव रहेंगे, कुछ भी अच्छा बुरा जो भी होता है आप जरूर सजेस्ट करते रहिए हर एक लेक्चर के दौरान, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम ऐसे ही अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया लेक्चर प्रोवाइड करते रहें। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अ डबल कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, डबल कॉन्वेक्स मतलब बाई कॉन्वेक्स, दैट मीन्स कॉन्वेक्स टू कॉन्वेक्स, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, हैज इट्स बोथ सर्फेसिस ऑफ इक्वल रेडियाई, रेडियाई प्लूरल होता है रेडियस का, है ना, आपको इससे पहले हमने एक चीज़ पूछा था, एक सिंगुलर और प्लूरल किसी चीज़ का पूछा था तो आप लोगों ने बताया था, तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखिए आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो, रेडियस का ये प्लूरल होता है रेडियाई, तो आप सब लोगों को बताना है कि मॉडुलस का प्लूरल क्या होगा, मॉडुलस का, हाँ हमने जो आपसे पूछा था वो मीडियम और मीडिया का पूछा था, तो मीडियम का प्लूरल क्या होता है, मीडिया। ठीक है, तो ये हो चुका है, ये हमने आज बता ही दिया है, तो अब मॉडुलस का आप बताइएगा और ये लिस्ट बढ़ती जाएगी आपको हर एक लेक्चर के दौरान, हम धीरे धीरे करके जितने भी इस तरह के टर्म हैं जो फिजिक्स में यूज़ होते हैं और ज़रूरी होता है उसको जानना, वो हम आपको बताते रहेंगे। तो आप लोग बताइएगा मॉडुलस सिंगुलर है कि प्लूरल, अगर सिंगुलर है तो प्लूरल क्या होगा, अगर प्लूरल है तो सिंगुलर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में ये दोनों का जो रेडियाई दिया था, दोनों कॉन्वेक्स सरफेस का, इधर और इधर दोनों का, वो कितना है 20 सेंटीमीटर, है ना, तो दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, फाइंड द पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम हटा दे रहे हैं, तो बाई कॉन्वेक्स लेंस है और उसके दोनों सर्फेसेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, ये इन्होंने बताया है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है सेम ना हो, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हमने आपको लेक्चर के दौरान बताया था, बट ये भी हमने आपको बताया था कि मोस्टली ये चांसेस होता है कि दोनों सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर वाले जो सरफेस होते हैं वही आपको दिए जाते हैं, तो अभी तक आपने जो भी न्यूमेरिकल्स देखे उसमें और R1 और R2 दोनों की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, तो एक कॉन्वेक्स, ये बाई कॉन्वेक्स लेंस है और ये फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सेकंड का, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, R1 राइट साइड में है तो पॉजिटिव, R2 लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव होगा, लेकिन दोनों के न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है और कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो आप कह सकते हैं कि R1 इज इक्वल टू प्लस में 20 सेंटीमीटर और R2 इज इक्वल टू माइनस में 20 सेंटीमीटर साइन कन्वेंशन यूज करने के बाद। और जिस ग्लास का ये बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कितना है 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का यूनिट क्या होता है आप सब लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका यूनिट कितना होता है और इसका डायमेंशन क्या होता है। हाँ, आगे दिया हुआ कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड, कोई ऑब्जेक्ट है जो इस लेंस के सामने 5 सेंटीमीटर हाइट का कोई ऑब्जेक्ट है, 5 सेंटीमीटर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h दिया हुआ है और कितनी डिस्टेंस पर रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, इस लेंस से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है। आगे कह रहे हैं कि फाइंड द पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ इमेज,
तो इस ऑब्जेक्ट का इस लेंस से जो इमेज बनेगा आपको बताना है कि वो इमेज कहाँ पर बनेगा, कितने डिस्टेंस पर, नेचर का मतलब रियल होगा कि वर्चुअल होगा, और साइज का मतलब कि हाइट ऑफ इमेज बताना है। तो जो भी वैल्यूज गिवन है आप उसको देखिए, आर वन आर टू म्यू सब पता है आपको, और डिस्टेंस ऑफ ये ऑब्जेक्ट यू भी पता है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं इस लेंस के लिए? तो देखिए हम लेंस का ये फार्मूला अगर यूज करें, वन अपान एफ इज इक्वल टू, यानी लेंस मेकर फार्मूला, तो इससे हम लेंस की फोकल लेंथ निकाल लेंगे, और लेंस की फोकल लेंथ निकाल लेंगे तो सारी समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि हमको यू की वैल्यू पता है, यू और एफ पता हो जाएगा तो वी भी पता कर लेंगे। तो पुट कर दीजिए म्यू की वैल्यू 1.5 माइनस 1, 1 अपान आर 1, दैट मीन्स आर 1 मीन्स प्लस में 20, माइनस 1 अपान आर 2, आर 2 मतलब माइनस में 20, माइनस माइनस प्लस होगा 1 अपान 20, 2 अपान 20, 2 अपान 20 का मतलब 1 अपान 10, और यहां से ये माइनस करने के बाद कितना आएगा, 0.5 इंटू 1 अपान 10, 0.5 का मतलब होता है 1 अपान 2, तो यानी 1 अपान ये क्या बन जाएगा, 20। तो 1 अपान f = 1 अपान 20, तो f = 20 सेंटीमीटर, मतलब जो कॉन्वेक्स लेंस हमने यहाँ यूज किया है उसकी फोकल लेंथ हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, और अगर फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u भी गिवन है, u कितना है 10 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखते हैं तो माइनस में आ जाएगा। तो u और f पता है तो इमेज की डिस्टेंस हम पता कर सकते हैं फार्मूले से, 1 अपान v - 1 अपान u, ये लेंस फार्मूला, वैल्यू रख दीजिए 1 अपान 20 = 1 अपान v - 1 अपान u मतलब -10, माइनस माइनस प्लस, और इस साइड आएगा फिर से माइनस, तो कुल मिला के 1 अपान v = 1 अपान 20 - 1 अपान 10, दैट मीन्स 20 LCM हो जाएगा, तो ये आएगा 1 - 2, यानी -1 अपान 20। तो 1 अपान v = -1 अपान 20, तो आप देखिए यहाँ से v कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू आ जाएगा -20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो इमेज की डिस्टेंस है वो है -20 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज हुआ 20 सेंटीमीटर, लेकिन माइनस का मतलब कि ये डिस्टेंस लेफ्ट साइड मेजर किया गया है, दैट मीन्स ये जो लेंस है उसके लेफ्ट साइड में इमेज बनेगा। और आपको हमने कंपेयर करके लास्ट लेक्चर में बताया था कि लेंस और मिरर के केस में राइट और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे। लेंस में जब भी इमेज राइट साइड बनता है तो कंफर्म होता है कि वो वर्चुअल इमेज होगा, और लेफ्ट साइड, सॉरी मिरर की बात कर रहे हैं, मिरर में जो भी इमेज राइट साइड में बनते हैं वो वर्चुअल होते हैं, और जो इमेज लेफ्ट में बनते हैं वो रियल होते हैं, जबकि लेंस में जस्ट उल्टा होता है, जितने भी रियल इमेज होते हैं वो लेंस के राइट साइड में बनते हैं, और जितने वर्चुअल इमेज होते हैं वो लेंस के लेफ्ट साइड में बनते हैं। तो ये माइनस टर्म यहां पर यही बता रहा है कि जो डिस्टेंस है वो लेफ्ट में मेजर किया गया है, यानी इमेज जो है वो लेफ्ट में बना था, और इमेज अगर लेफ्ट में बना है लेंस का केस है तो वर्चुअल होगा, और वर्चुअल होगा तो ये भी कंफर्म है कि रियल होगा कि इन्वर्टेड होगा कि इरेक्टेड होगा। तो इससे पता चलता है कि v इज इक्वल टू जो -20 सेंटीमीटर आया है, इट्स 20 का मतलब यह है कि लेंस से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, 10 पर रखा गया था ऑब्जेक्ट, इमेज 20 पर बनेगा, ठीक है। किधर बनेगा, जिधर ऑब्जेक्ट है उसी साइड बनेगा, और नेचर कैसा होगा, तो लेफ्ट साइड में जो इमेज बनते हैं लेंस में वो वर्चुअल होते हैं, तो वर्चुअल भी है तो इरेक्टेड भी होगा। डिस्टेंस पता चल गया, यानी पोजीशन पता चल गया, नेचर पता चल गया, अब आपको चाहिए साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज का मतलब हाइट ऑफ इमेज, और हाइट ऑफ इमेज पता करने के लिए आपको मैग्निफिकेशन का फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो इसी में हम कहीं पर एडजस्ट करते हैं। मैग्निफिकेशन का फार्मूला देखिए क्या होता है, m इज इक्वल टू h डैश अपान h, हाइट ऑफ इमेज अपान हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू लेंस के लिए, जब इस फार्मूले में हम लेंस का ये फार्मूला लिखते हैं तो यहाँ पर आता है माइनस, तो इसके मैग्निफिकेशन में यहाँ पर क्या आता है, प्लस। याद करने का ये तरीका हुआ, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू पुट करिए, और हमको यही h डैश चाहिए, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमको पता है 5 सेंटीमीटर हाइट का है, तो 5 को इधर ले जाएंगे, एच डैश इज इक्वल टू 5 इंटू वी, और वी की वैल्यू कितनी, -20, और यू की वैल्यू कितनी, यू की वैल्यू आपने यहाँ पर रखी हुई है -10, माइनस से माइनस कैंसिल, इससे इसको कैंसिल करेंगे, 5 इंटू 2 करेंगे 10 सेंटीमीटर, और वो भी प्लस में, और प्लस में आना भी चाहिए क्योंकि जो इमेज है वो कैसा है, वर्चुअल है, तो वर्चुअल इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर ये वर्चुअल इमेज बनेगा तो इसकी हाइट प्लस में ही आएगी,
एच डैश, ठीक है। तो यानी जो इमेज है वो उधर ही बनेगा जिधर आपका ऑब्जेक्ट था, 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बनेगा, वर्चुअल और इरेक्टेड होगा, और इसकी हाइट होगी 10 सेंटीमीटर, मतलब जितना हाइट का ऑब्जेक्ट है उसका जस्ट दो गुना। तो आधा आंसर यहां पर है और आधा आंसर यहां पर है, ठीक है। तो काफी अच्छा सवाल था, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुए हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आप देख लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 में डायग्राम दिया हुआ है और सिचुएशन कुछ ऐसी है, यहां पर एक लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस है, बाई कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ इसका 20 सेंटीमीटर है। तो दिया हुआ है कि अगर ये लेंस के ऊपर जो लाइट यहां से दिखाई जा रही है, कि अगर ये लेंस न होता तो ये लाइट ऐसे बिना डेविएट हुए सीधे जाती, लेकिन सामने बीच में लेंस है, तो कह रहे हैं अगर ये लेंस ना होता तो ये जो लाइट है वो जाके इस पॉइंट ओ पर मिलती, यहां पर इंटरसेक्ट करती, और वो जो पॉइंट ओ है उससे 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर लेंस रख दिया गया। अब बताइए जब लेंस रख देंगे तो क्या ये लाइट ऐसे जाएगी सीधे, तो एकदम सीधे जा सकती है? तो आपने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा हुआ है ना, जब भी लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट या बेंड हो जाती है। तो इधर एयर या वैक्यूम कोई मीडियम है और इधर इस ग्लास, ये जो लेंस है वो ग्लास वगैरह का बना होगा ट्रांसपेरेंट मटेरियल का, तो इसका अपना अलग मीडियम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर अलग है तो ये लाइट इधर से जब इधर जाएगी लेंस से होते हुए तो यहां पर डेविएट होना चाहिए, तो डेविएट होगी। और ये लेंस किस नेचर का है? कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? लाइट को कन्वर्ज करता है। तो इसने क्या किया कि इस लाइट को ऐसे कन्वर्ज करके एक किसी पॉइंट आई पर मिला दिया, ठीक है। अगर ये लेंस ना होता तो ये लाइट ऐसे जाके पॉइंट ओ पर मिलती, लेकिन इस लेंस की वजह से वो लाइट ओ पर पहुंचने से पहले ही कन्वर्ज होके पॉइंट आई पर मिल गई। तो आप कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जहां जिस ऑब्जेक्ट से भी ये लाइट रे आ रही थी उसका ये इमेज बन रहा है आई पर। लेकिन आप देखिए, जैसे आपने यहां पर समझा था कि अगर ये लेंस ना होता तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज आई पर बनता, बट इस लेंस की वजह से क्या हुआ कि जो इमेज आई पर बनना था वो इमेज अब कहां बनेगा? इन्फिनिटी पर बनेगा। तो आप कह सकते हैं कि इस लेंस के लिए ये पॉइंट ओ ऑब्जेक्ट है और उससे बनने वाला ये इमेज आई था, जो इस दूसरे लेंस के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, और यहां बनने वाले इमेज को इसने कहां बनाया है? इन्फिनिटी पर। तो इसका इमेज तो बन रहा है इन्फिनिटी पर, लेकिन किसका इमेज बना रहा है? पॉइंट आई का इमेज ये इन्फिनिटी पर बना रहा है। तो बिल्कुल वैसे ही आप कह सकते हैं, ये कॉन्वेक्स लेंस जब नहीं था तो ये लाइट रे पॉइंट ओ पर जाकर मिलती, लेकिन इसने क्या किया? पॉइंट ओ पर बनने वाले इमेज को कहां पहुंचा दिया है? पॉइंट आई पर। तो इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो पॉइंट ओ है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट तो इधर कहीं होगा ना जिससे ये लाइट रे जा रही थी, और इस ये जो लाइट रे जा रही थी वो पॉइंट ओ पर जाके मिलती, लेकिन पॉइंट ओ पर जो हमको इमेज दिखना चाहिए था, जो भी लाइट मिलनी चाहिए थी, वो अब कहां हमको मिल रहा है? पॉइंट आई पर मिल रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि इसी लेंस की वजह से पॉइंट ओ पर बनने वाला इमेज पॉइंट आई पर बन रहा है, दैट मीन्स पॉइंट ओ का इमेज पॉइंट आई पर बन रहा है। तो पॉइंट ओ इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, रियल नहीं, रियल ऑब्जेक्ट इधर कहीं रखा होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है जिसका इमेज पॉइंट आई पर बन रहा है। इस लेंस की फोकल लेंथ भी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो आपको बताना है ये जो इमेज आई बनेगा वो इस लेंस से कितनी डिस्टेंस पर होगा, वी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। सिचुएशन आप समझ गए, आप कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं जल्दी से। तो कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ भी दिया हुआ है, फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो लिखेंगे एफ इज इक्वल टू प्लस में 20 सेंटीमीटर, और पॉइंट ओ, ये जो पॉइंट ओ है वो इस लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, लेंस और पॉइंट ओ के बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना? 10 सेंटीमीटर। प्लस में लिखें कि माइनस में लिखें? वैसे है तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, लेकिन आपको देखना यह भी पड़ेगा ना कि राइट साइड में है कि लेफ्ट साइड में है, साइन कन्वेंशन आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा। तो ये ऑब्जेक्ट जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है वो राइट साइड में है, और राइट साइड में है तो राइट साइड में जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव ही लिखना पड़ेगा हमको, ठीक है। अब इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट ओ का जो इमेज बन रहा है वो पॉइंट आई पर बन रहा है, और हमने यही माना है कि लेंस से पॉइंट आई का जो डिस्टेंस है वो है वी, दैट मीन्स डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज हमको पता करना है, बस सिंपल सी बात है। आप लेंस का फार्मूला यूज करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप इस बात में ही गलती कर देंगे, यू की वैल्यू हमेशा निगेटिव होती है, तो फिर ये गलत हो जाएगा, आंसर नहीं आने पाएगा। और इस चित्र को देखकर, इस डायग्राम को देखकर आपको सिचुएशन को भी समझना है, इस डायग्राम का मीनिंग क्या है।
तो आपने यहां पर भी देखा सेम टाइप का कॉन्सेप्ट यहां भी यूज हो रहा है। ऐसे ही कुछ न्यूमेरिकल हम आपको होमवर्क के लिए भी देंगे जिसको आप करेंगे। इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 अपॉन एफ, 1 अपॉन वी और माइनस 1 अपॉन यू, लेंस है ना, तो ये प्लस में 20, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, यू की वैल्यू 10, माइनस इधर से आएगा प्लस हो जाएगा, तो 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 10, ये 1 अपॉन वी, एलसीएम कितना हो जाएगा 20, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन वी, 3 बाई 20, 3 बाई 20 इज इक्वल टू 1 अपॉन वी, इसका मतलब वी इज इक्वल टू 20 बाई 3, 20 बाई 3 मतलब 6.66 ऐसे आएगा, तो 7 लिख दीजिए और उसके बाद छोड़ दीजिए, इतना सेंटीमीटर। मतलब कि अगर ये लेंस ना होता तो ये जहां भी ये लेंस रखा हुआ उससे ये 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर मिलते, लेकिन इस लेंस ने क्या किया, उस लाइट को कन्वर्ज कर दिया और कन्वर्ज करके और पहले ही मिला दिया पॉइंट आई पर, और वो पॉइंट अब कितनी डिस्टेंस पर है, तो लगभग 6.5 सेंटीमीटर, 6.67 सेंटीमीटर, तो 10 से पहले ही ये उसको कन्वर्ज कर देगा और वहीं पर आपको इमेज दिखाई देगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप नोट कर लीजिए। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5 इज 2 सेंटीमीटर। द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब जो कॉन्वेक्स लेंस जिस ग्लास का बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और उस लेंस का फोकल लेंथ है 2 सेंटीमीटर। द फोकल लेंथ ऑफ लेंस when it is immersed in a liquid of refractive index 1.25 will be, मतलब वो लेंस जिसका फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, जब उसको 1.25 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले लिक्विड में डुबाएंगे तो फोकल लेंथ कैसा हो जाएगा या कितना हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि फोकल लेंथ वेरी हो सकता है उसके आसपास के मीडियम के अकॉर्डिंग, और कंडीशन जो दिया हुआ है कि जब फोकल लेंथ यानी जब लेंस एयर में था तब की ये बात चल रही है, तो आप कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द लेंस, दैट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर 1.5 है और एयर में फोकल लेंथ कितना है लेंस का 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और जब उसको लिक्विड में डुबाया जाता उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.25। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, ये लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 1.25। बहुत ही केयरफुल रहना है आपको, ये लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया है लिक्विड के रिस्पेक्ट में, बल्कि ये लिक्विड का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर के रिस्पेक्ट में, कुछ नहीं बोला है, दैट मीन्स एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। तो आपको बताना है कि उस लेंस का फोकल लेंथ एफ इन लिक्विड कितना हो जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला हम यूज करेंगे लेंस मेकर फार्मूला एयर के लिए, एयर के केस में ए म्यू जी और 1 अपान आर वन माइनस 1 अपान आर टू। ठीक है, अब लिक्विड के केस में यूज करेंगे एफ एल, और जब लिक्विड के केस में यूज करेंगे तो म्यू की जगह पर फार्मूले में कौन सा म्यू लिखा जाएगा, तो देखिए जब लेंस को लिक्विड के अंदर डालेंगे तो जो लाइट होगी वो लिक्विड से होते हुए लेंस के अंदर यानी ग्लास के अंदर पास होगी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड, भले ही क्वेश्चन में हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू एयर पता है, लेकिन फार्मूले में आप देखिए कि आपको क्या लिखना है, तो लेंस को लिक्विड के अंदर डालने के बाद लाइट लिक्विड से ग्लास में या लेंस में जाएगी, तो लिक्विड के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रेडियस ऑफ कर्वेचर पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो एज इट इज रहेगा, और दोनों को आपस में आप डिवाइड करते हैं तो ये हमेशा कट जाता है, ये पूरा टर्म ही कट जाता है, और ये एफ एल ऊपर चला जाएगा, तो एफ एल अपान एफ ए इज इक्वल टू ए म्यू जी माइनस 1 अपान। अब देखिए एल म्यू जी को हम क्या लिखेंगे, आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए कि जो लिक्विड है वो लिक्विड वाटर ही है, वैसे तो वाटर है नहीं क्योंकि वाटर का होता 1.33, बट आप थोड़ी देर के लिए मानिए अगर ये डब्ल्यू लिखा होता तो डब्ल्यू म्यू जी का फार्मूला कैसे लिखते थे, डब्ल्यू म्यू जी इज इक्वल टू ए म्यू जी अपान ए म्यू डब्ल्यू, यही तो लिखते थे, यही तो फार्मूला होता था लिक्विड और वाटर का जब कॉम्बिनेशन होता था लिक्विड और ग्लास का, तो वाटर की बजाय अगर कोई और भी लिक्विड है तो क्या फर्क पड़ता है, सिर्फ वाटर की जगह पर आप लिक्विड एल लिख दीजिए, सिंबल का ही फर्क पड़ेगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जहां जहां वाटर डब्ल्यू लिखा था वहां वहां हम लिक्विड एल लिख देंगे, तो आप इस एल म्यू जी को इस फार्मूले के हिसाब से लिखेंगे, तो ए म्यू जी अपान ए म्यू एल और माइनस 1, सबकी वैल्यू पता है आपको, सबको पुट कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। एफ एल आपको पता करना है, मतलब फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन द लिक्विड, तो एफ एल आपको पता करना है, एफ ए पता है,
तो कैलकुलेशन ही सिर्फ बचा हुआ है। आप देखिए ए म्यू जी कितना है, तो ए म्यू जी है 1.5, उसके बाद माइनस 1, फिर यहाँ पर 1.5 और अपान में ए म्यू एल है 1.25 माइनस 1, ये पूरा हो गया। और एफ ए उसी में जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो फाइनली एफ एल इक्वल टू आएगा एफ ए, यानी कि 2 इंटू यहाँ से ये 0.5 बचेगा और यहाँ से सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1.5 माइनस 1.25 यानी कि 0.25, और जो अपान में 1.25 है वो ऊपर जाएगा 1.25। अब इसी को आपको सॉल्व करना है, तो आप देखिए ये 0.25 है और ये 0.5 है, 0.5 का मतलब 0.50, इससे इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स होगा और 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो आप ऐसे कर लीजिए 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1.25, तो 1 इंटू 4 करेंगे 4 आएगा और 0.25 का 4 गुना करेंगे 1 आएगा, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, तो 5 सेंटीमीटर। मतलब कि लिक्विड में डुबाने के बाद लेंस का जो फोकल लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, जो इसके पहले एयर में कितना था 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेस ऑफ फोकल लेंथ 0.15 सेंटीमीटर, और ये हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है ना, ये एग्जाम में आए हुए हैं। ईच प्लेस्ड 0.05 सेंटीमीटर अपार्ट इज, मतलब दो कॉन्वेक्स लेंस है और दोनों की फोकल लेंथ 0.15 सेंटीमीटर है और उनका कॉम्बिनेशन ऐसा है कि उनके बीच का सेपरेशन है 0.05 सेंटीमीटर, तो आपको बताना है इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ कितनी होगी। तो जब भी दो लेंस कंबाइन होते हैं तो उसके फोकल लेंथ या उसके पावर के लिए फार्मूला पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था हमने, फार्मूला था कॉम्बिनेशन के लिए, अगर हम पावर के टर्म में लिखें तो P इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस DP1 P2, या फिर अगर फोकल लेंथ के टर्म में कहेंगे तो 1 अपान F इक्वल टू 1 अपान F1 प्लस 1 अपान F2 माइनस D इंटू 1 अपान F1 इंटू 1 अपान F2 या D अपान F1 F2। तो आपको इसमें F1 पता है, F2 पता है और D पता है, सिर्फ आपको कैपिटल F निकालना है। F1 और F2 दोनों की वैल्यू सेम है और D की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, तो पुट कर दीजिए इसमें और कैपिटल F निकालना है, तो 1 अपान ये 0.15 प्लस 1 अपान 0.15 और प्लस में ही लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि बात किसकी चल रही, कॉन्वेक्स लेंस की, तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव, इसलिए हम प्लस के साथ ही लिख रहे हैं। माइनस में D का मतलब कि 0.05 अपान F1 इंटू F2 यानी 0.15 इंटू 0.15, सिंप्लीफाई करना है बस, तो आप क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हट जाएगा, तो 100 अपान 15 प्लस 100 अपान 15 माइनस, इसमें भी ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 बनेगा और ये जो है ये बन जाएगा 15, लेकिन इसके साथ जो डेसिमल लगा है इसको हटाने के लिए फिर से 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा 15। 100 अपान 15 कितना हो जाएगा 200 अपान 15। अब देखिए कैलकुलेशन हम आपको जोड़ घटाने बता रहे हैं और इससे डिवाइड कर दीजिए कितना हो जाएगा, ये आपका 45, तो 3 इंटू 15 ही रहने दीजिए क्योंकि आपको LCM लेना ही पड़ेगा और LCM लेंगे तो वही 3 इंटू 15 आ जाएगा, तो 3 इंटू 2 यानी 600 माइनस यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 100 यानी कि 500 अपान 3 इंटू 15, 5 से अगर हम डिवाइड करें 5 1 5 और 5 3 15, तो 1 अपान F इक्वल टू कितना आ गया 100 अपान 9, तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 अपान 100 यानी F इक्वल टू आ जाएगा 0.09 सेंटीमीटर। यानी अच्छा ये प्लस में आया है, इसका मतलब ये कि जो दोनों कॉन्वेक्स लेंसेस का जो कॉम्बिनेशन है वो पूरा कॉम्बिनेशन एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह ही बिहेव कर रहा है, क्योंकि फाइनल जो फोकल लेंथ आया है वो पॉजिटिव आया है। अगर फाइनल फोकल लेंथ निगेटिव आता, कई बार ऐसा भी होता है कि दो अलग अलग लेंस आपको दिए जाते हैं और ये सारी कंडीशन आपको दी जाती है सॉरी, तो आपसे ये पूछा जाता है कि जो फाइनल या जो कंबाइंड लेंस होगा उसका नेचर बताइए कि वो कन्वर्जिंग नेचर का होगा कि डाइवर्जिंग का, मीन्स वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा कि कॉन्केव की तरह। तो ऐसे में आपको यही करना है कि उसका इक्विवेलेंट या रिजल्टेंट फोकल लेंथ निकालिए चाहे पावर निकालिए, अगर पॉजिटिव आता है तो वो कॉन्वेक्स लेंस यानी कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा, अगर निगेटिव आता है तो यानी वो कॉन्केव लेंस यानी कि डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो नेचर आप इसी के साइन को देखकर डिसाइड करते हैं, तो प्लस आया है तो ये कॉन्वेक्स की तरह ही बिहेव करेगा और ये वैल्यू हो गई। चलिए इसको नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ कि एन इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट एंड अ स्क्रीन आर प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है जिससे इल्यूमिनेटेड मतलब उससे लाइट निकल रही है और एक स्क्रीन है इसके सामने और दोनों के बीच का सेपरेशन है 90 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ क्लियर इमेज ऑन द स्क्रीन ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर हम उस इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना चाहते हैं उस स्क्रीन पर, क्लियर इमेज बनाना चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर, और वो साइज कितना होना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट की साइज का जस्ट 2 गुना साइज का इमेज बनाना चाहते हैं तो उसके बीच में जो लेंस हम यूज करेंगे उस लेंस की फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए, उसका नेचर कैसा होना चाहिए, नेचर मतलब कि कॉन्वेक्स यूज करें कि कॉनकेव, और कितनी फोकल लेंथ का। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं। देखिए सबसे पहले आप इसका डायग्राम देखिए तभी आपको सीन समझ में आएगा। तो ऐसा कुछ सिचुएशन है कि ये सपोज कि आप इल्यूमिनेटेड कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर ये स्क्रीन है और दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना है 90 सेंटीमीटर। ये आपका इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट हुआ और ये हुआ आपका स्क्रीन। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसके बीच में कहाँ पर हम लेंस को, कोई लेंस को, जो भी लेंस रखें वो लेंस कितनी फोकल लेंथ का होना चाहिए और उसका नेचर क्या होगा। तो कितनी फोकल लेंथ का होना चाहिए और नेचर क्या होगा, यानी एफ की वैल्यू भी बतानी है और उसका साइन भी डिसाइड करेगा कि वो कॉनकेव होगा कि कॉन्वेक्स। सबसे पहली बात आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि जिस इमेज की बात हो रही है वो इमेज आपको स्क्रीन पर चाहिए और उसका जो साइज होना चाहिए वो ऑब्जेक्ट की साइज का 2 गुना होना चाहिए। तो मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट की साइज जो है वो अगर एच है तो इमेज की साइज जो है वो कितनी होगी, एच डैश कितना होगा, इसी एच का जस्ट 2 गुना है ना। और जो हाइट ऑफ इमेज होगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, आप ये डिसाइड कर सकते हैं। हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव आप यहां से ये बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो इमेज आपको चाहिए वो ऑब्जेक्ट के साइज का 2 गुना चाहिए और दूसरी बात वो इमेज आपको स्क्रीन पर चाहिए। तो स्क्रीन पर जो इमेज बनता है वो कैसा होता है, हमने आपको इमेज के टाइप के बारे में बताया था कि एक इमेज होता है रियल और एक इमेज होता है वर्चुअल। रियल इमेज में लाइट रे जहाँ सच में जाके काटती हैं वो रियल इमेज होता है, वो हमेशा उल्टी होती हैं, उल्टा मतलब इन्वर्टेड। और वर्चुअल इमेज वो होती है जहाँ पर हम डॉट डॉट करके इमेज को आगे बढ़ा के देखते हैं कि पीछे ट्रेस करते हुए कि यहाँ पर इमेज हमको दिखाई देगा। तो वर्चुअल इमेज में जो लाइट रेज होती हैं वो सच में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही होती, वो हम जब पीछे की तरफ रीट्रेस करते हैं। और दूसरी खास बात जो ये है कि वो रियल इमेज को हम स्क्रीन पर पा सकते हैं लेकिन वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पर नहीं पा सकते। तो अगर ये इमेज को स्क्रीन पर हमको प्राप्त करना है, वहां पर गेन करना है, दैट मीन्स इमेज रियल होना चाहिए। और जो रियल इमेज होते हैं अगर वो स्क्रीन पर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो कंफर्म है कोई रियल ही होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है। और रियल होगा तो इन्वर्टेड भी होगा, और अगर इमेज है इन्वर्टेड है तो उसकी हाइट निगेटिव होगा क्योंकि इन्वर्टेड का मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर एच है तो हाइट ऑफ इमेज उसी का 2 गुना साइज का होगा, लेकिन स्क्रीन पर पाना है इसका मतलब वो रियल होगा। अब देखिए कितने रहस्य की बात है, सवाल में कहीं कोई ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है लेकिन आपको ये सब एनालिसिस करते करते करना है। इसीलिए आपको इमेज फॉर्मेशन पता होना चाहिए, रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन, रियल इमेज वर्चुअल इमेज का नेचर पता होना चाहिए, और जो इमेजेस बनते हैं कॉन्वेक्स या कॉन्केव लेंस से या मिरर से वो सारा सिचुएशन आपको कंडीशन समझ में आना चाहिए तभी आप सवाल कर पाएंगे, नहीं तो आप सारा फार्मूला आते हुए ये क्वेश्चन नहीं कर सकते और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो एच डैश इज इक्वल टू 2h के इक्वल तो होगा लेकिन माइनस, क्योंकि इमेज रियल है। कैसे पता चला रियल है, क्योंकि स्क्रीन पर पाना है तो रियल ही होगा तभी होगा। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, आप मैग्निफिकेशन निकालेंगे एच डैश अपान एच माइनस 2h और अपान में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच कैंसिल करेंगे माइनस 2 आ जाएगा, मतलब मैग्निफिकेशन आपको पता है कि माइनस 2 है। और आपको लेंस के बारे में बताना, व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द लेंस। तो m पता हो गया, m इज इक्वल टू माइनस 2, और आप मान लीजिए कि जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस से कितनी डिस्टेंस पर है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हम मान ले रहे हैं वो कितना है x है, ये डिस्टेंस x है। तो यानी u की वैल्यू कितनी है x के इक्वल, लेकिन ये लेंस जो भी यहाँ पर होगा उसके लेफ्ट में यानी माइनस। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है यहाँ पर, हम ये भी बता सकते हैं कौन से लेंस की बात यहाँ पर हो रही है। अभी हम कैलकुलेशन से तो वहां पर पहुंचेंगे ही, बट कॉमन सेंस अगर यूज करें तो हम बता सकते हैं क्योंकि रियल इमेज कौन बनाता है। आप सोचिए कि रियल इमेज की बात चल रही, वर्चुअल होता तो डाउट होता क्योंकि वर्चुअल दोनों बनाते हैं,
लेकिन रियल सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस बनाता है, कॉन्केव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। तो अगर ये रियल इमेज की बात चल रही है, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर होगा, और वो हमको हमारे फाइनल आंसर से भी पता चलेगा अगर हम ऐसे नहीं सोच पा रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस ही आएगा। तो u की वैल्यू x के इक्वल है, लेकिन ये लेफ्ट में डिस्टेंस है, तो माइनस के साथ हम इसको लिख रहे हैं, माइनस में x। और अगर ये लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस x हुई, तो लेंस से स्क्रीन की डिस्टेंस कितनी होगी, ये पूरा 90 था, ये इतना x है, तो बचा कितना 90 माइनस x। तो यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज, स्क्रीन पर ही इमेज बनेगा, इस डिस्टेंस ऑफ इमेज कितना हो जाएगा 90 माइनस x के इक्वल। और मैग्निफिकेशन का फार्मूला आप जानते हैं, लेंस के लिए वी अपान यू के इक्वल होता है, और आप एक मैग्निफिकेशन यहां से कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यू और वी के रिस्पेक्ट में अगर देखें यहां से, तो आप क्या लिख सकते हैं, यू की जगह पर माइनस एक्स और वी की जगह पर 90 माइनस एक्स। तो 90 माइनस एक्स अपान यहां माइनस एक्स इज इक्वल टू किसके, इज इक्वल टू एम, और एम की वैल्यू है माइनस टू, माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा या प्लस हो जाएगा। तो 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, तो यहां से इंप्लाई करेगा 3x इज इक्वल टू 90, दैट मीन्स x इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। x इक्वल टू 30 सेंटीमीटर का मतलब कि ये जो लेंस है वो इस ऑब्जेक्ट से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर होगा। तो अगर ये 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, तो ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है लेंस और स्क्रीन के बीच का, वो कितना आएगा, 60 आएगा, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 30 सेंटीमीटर इधर हो गया, तो 60 सेंटीमीटर ये इधर हो गया, दैट मीन्स डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u कितना हो जाएगा, u हो जाएगा माइनस में 30, और v कितना हो गया, v कितना हो गया राइट साइड में है, और वो भी 60 है, तो प्लस में 60। तो u और v पता चल गया, f निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए हम कर ही देते हैं, नहीं तो आप कहेंगे कि आ नहीं रहा था इसलिए छोड़ दिए। ठीक है, तो 1 अपान v प्लस में 60 और माइनस 1 अपान u माइनस 30, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और LCM कितना आ जाएगा, 60, 1 प्लस 2 दैट मीन्स 3 अपान 60। तो 1 अपान f इक्वल टू 3 अपान 60 दैट मीन्स 1 अपान 20, और f इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। और आप देखिए f की वैल्यू यहाँ आई है प्लस में, तो f की वैल्यू प्लस में आने का मतलब कि कॉन्वेक्स लेंस होगा और उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो f की वैल्यू से आप नेचर भी डिसाइड कर लेंगे और फोकल लेंथ भी डिसाइड कर लेंगे। अगर आप लेंस से जो इमेजेस बनते हैं, अगर उन इमेजेस के नेचर वगैरह के बारे में जानते हैं, तो आप वहीं पर बता सकते थे कि जो लेंस होगा वो कैसा होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा, क्योंकि रियल इमेज सिर्फ कॉन्वेक्स ही बनाता है, कॉनकेव नहीं बनाता है। चलिए इसको नोट करिए, और लास्ट क्वेश्चन जो हम आपको बताएंगे वो आप देख लीजिए, इसके बाद जो क्वेश्चन होंगे वो आपके होमवर्क होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या लिखा हुआ है, कि इमेज ऑब्टेंड विथ अ कॉन्वेक्स लेंस इज इरेक्ट, और इरेक्ट है तो इसका मतलब वर्चुअल होगा, एंड इट्स लेंथ इज 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, इफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज। यू और वी की वैल्यू बतानी है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो जो भी वैल्यू गिवन है पहले उसको लिखते हैं। देखिए, इमेज ऑब्टेंड विथ अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस है, तो फोकल लेंथ की अगर हम बात करें तो फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होगा, और फोकल लेंथ दिया हुआ है कितना, 20 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ प्लस में 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो इमेज बन रहा है वो कैसा है, इरेक्टेड है, इरेक्टेड का मतलब कि इमेज कंफर्म है कि वर्चुअल होगा, इरेक्टेड है तो इसका मतलब जो इमेज होगा वो वर्चुअल होगा। और जो हाइट है, इज लेंथ इज 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी हाइट ऑफ इमेज जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का 4 टाइम्स है, और वर्चुअल है तो हाइट पॉजिटिव भी होगा, क्योंकि वर्चुअल इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनते हैं। तो हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का 4 गुना है, और पॉजिटिव क्योंकि वर्चुअल इमेज हमेशा ऐसे ऊपर की तरफ बनते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो हाइट जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। यहां से हम एच डैश अपान एच का रेशियो भी निकाल लेंगे, जो कि 4 होगा, और एच डैश अपान एच को लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो आपको यू और वी की वैल्यू पता करनी है, तो ठीक है, m की वैल्यू पता चल गई, और m इक्वल टू वी अपान यू होता है लेंस के लिए, इज इक्वल टू 4, तो यहां से हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू 4u, और v इक्वल टू 4u हो गया, f इक्वल टू दिया हुआ है, आप लेंस का फार्मूला यूज करिए, 1 अपान f इक्वल टू 1 अपान v माइनस 1 अपान u, तो 1 अपान 20 इज इक्वल टू 1 अपान v की जगह पर हम अगर 4u रख दें, और माइनस में 1 अपान u, LCM कितना आएगा 4u, तो 1 माइनस 4 यानी माइनस 3 बाई 4u, तो 4u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस 60, u इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस में 60 बाई 4, तो u इज इक्वल टू
ये हो जाएगा आपका 2, ये 30, यानी कि माइनस फिफ्टीन सेंटीमीटर u की वैल्यू। और u की वैल्यू निगेटिव होती भी है क्योंकि लेफ्ट में ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं, तो u की वैल्यू निगेटिव आती है। हाँ, अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस है तो फिर वो अलग है, जैसा कि आपने शुरुआत के दो क्वेश्चन में देखा था, वर्चुअल ऑब्जेक्ट में तो प्लस हो सकता है क्योंकि वो राइट साइड में था। तो u की वैल्यू आ गई, अब u की वैल्यू आप यहाँ पर रख देंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी, v इज इक्वल टू 4 इंटू यू की वैल्यू माइनस 15 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 60 सेंटीमीटर। और इससे ये भी पता चल रहा है कि जो इमेज बनेगा वो इमेज उस लेंस के, कॉन्वेक्स लेंस के लेफ्ट साइड बनेगा, निगेटिव का मतलब लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में अगर इमेज बनेगा तो लेंस का केस है, तो आप नेचर भी बता सकते हैं क्योंकि लेंस के केस में जो लेफ्ट में इमेज बनते हैं वो कैसे होते हैं, वर्चुअल। तो और इस क्वेश्चन में पहले ही दे दिया था कि इरेक्टेड है, तो वर्चुअल होता है तभी तो इरेक्टेड होता है, ठीक है। तो यानी सब कुछ सही जा रहा है, u की वैल्यू माइनस 15 और v की वैल्यू माइनस 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आज के लिए हमारी तरफ से इतने ही क्वेश्चन, ऐसे मतलब टाइप वाइज अगर देखा जाए तो हर टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक में दिए होंगे, प्रीवियस ईयर के बुक में दिए होंगे, आप उन सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा, आप इन्हीं कॉन्सेप्ट को अप्लाई करिएगा। हमने सिर्फ इस पर्पस से क्वेश्चन आपको बताए हैं कि आप समझ सके कि क्वेश्चन को करना कैसे, अप्रोच क्या रखना है। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको हेल्प करेगा और इस तरह के क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो 10 क्वेश्चन ये आप जरूर एक बार अपने से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपने समझ लिया है, एक बार आप इसको खुद से प्रैक्टिस करिए कि जो भी कॉन्सेप्ट आपने सीखा है क्या आप अपने हिसाब से उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसके बाद 4-5 क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं होमवर्क के लिए, आप उन क्वेश्चन को भी करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा, तो आपका ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए, अ कॉन्केव लेंस ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हैज बोथ सर्फेसेस ऑफ सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, मतलब कॉन्वेक्स लेंस है जिसका दोनों सर्फेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। ऑन इमर्जन इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.75 द लेंस विल बिहेव एज, तो एक ऐसे मीडियम में उसको रख दिया गया है, डुबा दिया गया है ऐसे लिक्विड में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.75 है, तो आपको बताना है कि उसमें डुबाने के बाद ये जो लेंस आपके पास था कॉन्केव लेंस था ना, हाँ, तो ये जो कॉन्केव लेंस था वो किसकी तरह बिहेव करेगा। और ऑप्शन कॉन्वेक्स या कॉन्केव ना लिख के कुछ इस तरीके से लिखा हुआ, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट लेंस के बारे में। तो कन्वर्जेंट लेंस ऑफ फोकल लेंथ 3.5 आर, कन्वर्जेंट लेंस ऑफ फोकल लेंथ 3.0 आर, और डाइवर्जेंस लेंस ऑफ फोकल लेंथ 3.5 आर, डाइवर्जेंस लेंस ऑफ एफ इक्वल टू 3.0 आर। अच्छा, यहाँ पर जो प्लस या माइनस की बात है वो हमने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, हम सिर्फ ऑप्शन में लैंग्वेज, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा लैंग्वेज लिखने में, फोकल लेंथ पूरा लिखते, तो हमने सिर्फ सिंबल यहाँ पर यूज़ कर लिया है, ठीक है। कब ये प्लस होगा कब माइनस होगा ये आपको डिसाइड करना है, और ये भी डिसाइड करना है कि कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा ये कि डाइवर्जिंग लेंस की तरह, ठीक है। तो हमने सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर पुट करी है, इतना आपको ध्यान रखना है। आप ये नहीं देखेंगे कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दोनों में ही प्लस क्यों लिखा गया, क्योंकि एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, ठीक है। तो हमने सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। बाकी जितने भी क्वेश्चन है उसका हमने डायग्राम बना दिया और मैं उसको समझा देता हूं, आपको क्वेश्चन सॉल्व कर देना, लैंग्वेज हमने नहीं लिखा, नहीं तो ये क्वेश्चन एक पेज में नहीं आ पाता। तो यहां पर एक कॉम्बिनेशन है लेंस का, एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक कॉन्केव लेंस है, और ऐसा क्वेश्चन हमने आपको बताया शुरुआत में, क्वेश्चन नंबर 1 या 2 था। तो यहां पर पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और अगर ये लेंस न होता, ये कॉन्केव लेंस न होता, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज पॉइंट यहां पर बनता आई डैश पर, इसीलिए डॉट डॉट करके हमने दिखाया है। लेकिन इस लेंस की वजह से इसका जो इमेज है वो आई डैश, जो इससे आई डैश पर इमेज बनता, वो इमेज अब फाइनली कहां बन रहा है, पॉइंट आई पर, क्योंकि इसने उसको डाइवर्ज कर दिया पॉइंट आई पर। इसका नाम है लेंस L1 और इसका नाम है लेंस L2। तो ये जो L1 लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, इसकी फोकल लेंथ गिवन है 15 सेंटीमीटर। तो आपको इस दूसरे वाले लेंस की फोकल लेंथ L2 फाइंड आउट करनी है, L2 की फोकल लेंथ F2 फाइंड आउट करनी है। और गिवेन क्या क्या है, कौन कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू गिवेन है, तो इस ऑब्जेक्ट और इस लेंस के बीच का डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर, इन दोनों लेंसेज के बीच का डिस्टेंस 14 सेंटीमीटर, इस लेंस और इस पॉइंट आई के बीच का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। फिर से सुन लीजिए, इस पॉइंट ओ और इस लेंस L1 के बीच का 40 सेंटीमीटर, दोनों लेंसेज के बीच का डिस्टेंस 14 सेंटीमीटर, कॉन्केव लेंस और इस पॉइंट आई के बीच का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, और पहले वाले लेंस का फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना गिवन है, अब आपको उसमें देखना है कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा, ये आपको डिसाइड करना है। हमने सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू सभी क्वेश्चंस में,
ठीक है। तो आपको इस दूसरे वाले लेंस की फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। इक्वी कॉन्वेक्स का मतलब कि बाई कॉन्वेक्स है, दोनों साइड से कॉन्वेक्स वाला जो सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है। तो एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, एक ये बाई कॉन्वेक्स या इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है और इसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, और इसको ऐसे बिल्कुल बीच में से जो डॉटेड लाइन दिखा रहे हैं इस तरीके से बिल्कुल बीच से इसको दो पार्ट में काट दिया जाता है। तो आपको बताना है कि हर एक कटे हुए भाग का फोकल लेंथ कितना होगा, ठीक। तो मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे सकता हूं कि जब इसको हम काटेंगे तो सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, एक आपको ऐसा लेंस मिलेगा और एक लेंस ऐसा मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि एक कॉन्वेक्स दिख रहा है और एक प्लेन दिख रहा है। तो प्लेन जो सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होगा और कॉन्वेक्स वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर अब जो भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप इतना समझ जाइए कि प्लेन सरफेस आ गया है तो इन्फिनिटी रेडियस ऑफ कर्वेचर आप यूज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा जिस भी तरीके से आपको आइडिया इसका आ रहा होगा, और आपको हर एक पार्ट का इसका और इसका फोकल लेंथ बताना है काटने के बाद जो मिलेगा आपको। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें एक लेंस है और एक मिरर है। इस बार लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन है, एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक कॉन्वेक्स मिरर है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर, दोनों का एक्सिस सेम है, और इस कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है, प्लस माइनस आपको डिसाइड करना है। कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, और इस कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर पैरेलल रेज इंसिडेंट हो रही हैं। तो जब पैरेलल रेज यहाँ से इंसिडेंट होगी तो कॉन्वेक्स उसका कुछ इमेज बनाएगा, वो इमेज उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, फिर वो कुछ कोई और फाइनल इमेज बनाएगा। तो जो फाइनल इमेज बनेगा इस पूरे कॉम्बिनेशन की वजह से, उस फाइनल इमेज का पोजीशन बताना है कि वो कहाँ पर बनेगा, और नेचर बताना है कि कैसा बनेगा, ठीक है। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन की वजह से बनने वाली इमेज का पोजीशन और नेचर आपको बताना है। इसका फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, दोनों के बीच का सेपरेशन 40 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये चारों क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, और थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आपको आएगी, बट आप जितने भी न्यूमेरिकल हमने आपको बताए हैं आज की क्लास में, उन न्यूमेरिकल को अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन के साथ कोशिश करता हूँ उसके पीछे का जो पूरा थियरी है वो भी जल्दी से आपको रिवाइज करा दें। तो इससे क्या होता है कि ये चीज़ें सुनते सुनते आपको याद हो जाती हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल के टाइम जो आपको डाउट आता है ना, वो आप पेज पलट करके फिर फार्मूले या थियरी में जाते नहीं हैं, फिर सॉल्व करते रहते हैं और उसमें परेशान रहते हैं। तो वो आपको न करना पड़े, इसलिए हम साथ में उन चीज़ों को भी पॉइंट आउट पिन करते रहते हैं ताकि वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठती रहें। लेंस हम पढ़ रहे हैं लेकिन मिरर की हमने कई बार बात की, ताकि मिरर और लेंस का जो कंपेरिजन है वो आपको ना भूले। एग्जाम में तो सब मर्ज करके आएगा ना, तो आपको ऐसा थोड़ी एक चैप्टर वाइज लेंस का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा कि इसमें लेंस के ही फार्मूले लगने, तो वो सारी चीज़ें आपको क्लियर रहे इस वजह से हमने ये कोशिश की है। इसके अलावा कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर हम कोशिश करेंगे उस समस्या का समाधान हो जाए। तो ये चारों क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, सॉल्व करके आप कमेंट में अपना रिप्लाई दीजिएगा। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप पढ़ाई करते रहें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद।